Hello students, how are you? I hope all of you are doing well. Welcome back to class 9th English classes on CatGy online lectures. Now this is a special lecture regarding the curriculum and paper pattern of class 9th. क्योंकि 8th से 9th में आने पर सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता है. जिस तरह से ग्रामर क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के राइटिंग टास्क होते हैं, ऑल दैट कम्प्लीटली चेंजेस. सो चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, कैसे पूछा जाता है, कौन कौन सी बुक्स हैं. बुक्स के बारे में एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो लेक्चर वन था, चैप्टर वन का, द फन दे हैड का, उसमें भी मैंने बताया था. सो टुडे वी विल बी टेकिंग अप दिस पैटर्न इन डिटेल और कौन कौन सी बुक्स हम यूज कर सकते हैं और बोर्ड का करिकुलम किस तरह से मार्किंग करता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. जो इंग्लिश का पेपर है, जो तुम्हारा एनुअल एग्जाम का पेपर बनेगा, वो होगा 80 मार्क्स का. नाउ एनुअल एग्जाम पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स. क्लास 9th और 10th का साल भर का जो पैटर्न है, पूरे ईयर का, वो सेम होता है. सिर्फ एनुअल एग्जाम को मेन रिटन एग्जाम है, बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं और वो इंटरनल असेसमेंट्स एक साथ मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं 20 मार्क्स के लिए. यानी 80 मार्क्स का एनुअल एग्जाम और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट मिलाकर होता है 100 मार्क्स एक सब्जेक्ट का फॉर क्लास 9th. नाउ इंटरनल असेसमेंट कैसे होता है 20 मार्क्स का, that we will take up in some other lecture. Today we are talking about this 80 marks paper jo annual exam mein aayega. Okay, so 80 marks mein kitne sections hote hain? Sabse pehle aata hai section 1 aur section A, jo hota hai reading. Reading comprehension hota hai section A mein, yani unseen passages diye jate hain. ये काफी अनसीन पैसेजेस तुमने 8th में भी किए होंगे, 7th में भी और जूनियर क्लासेस में भी. ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल फिक्स्ड होता है. 9th ऑनवर्ड्स का जो पेपर का पैटर्न है वो क्लियरली डिफाइंड होता है सीबीएसई की तरफ से. नाउ सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 होते हैं, दो क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन 1 8 मार्क्स का होता है. ओके, और एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं इसमें. पहला रीडिंग पैसेज 8 नंबर का होता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं. दूसरा वाला 12 मार्क्स का होता है. और ये एमसीक्यू किस पैटर्न में होते हैं? ये होते हैं 8:1 के, यानी 8 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच. इसमें कैसे होता है, जो 12 मार्क्स वाला होता है इसमें फर्दर दो डिविजन्स होते हैं. 4 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के. ओके, यानी 8 मार्क्स हो गया ये, और ये होते हैं शॉर्ट आंसर. ओके, और उसके बाद 4 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के. ये हो गया 4 मार्क्स. ये होते हैं एमसीक्यू. एंड ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी इसमें अनसीन पैसेज में से मीनिंग्स खोजना होता है या फिर उसका एंटोनिम या सिनोनिम या इस तरह का कुछ बताना होता है. सो 8+4 12 मार्क्स. 12 मार्क्स का ये पैसेज है. 8 नंबर के शॉर्ट आंसर्स होते हैं. यूजुअली 4 क्वेश्चंस होते हैं दो दो नंबर के, और 4 नंबर का एक 4 नंबर के 1 मार्क आंसर्स होते हैं जो कि एमसीक्यू होते हैं. तो ये हमारा हो गया रीडिंग सेक्शन. यानी ऑल टुगेदर रीडिंग सेक्शन हुआ हमारा 12+8, दैट इज 20 मार्क्स का. सो आउट ऑफ 80, 20 मार्क्स का अनसीन पैसेज होता है, रीडिंग सेक्शन होता है. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे. जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, दैट इज सेक्शन बी. सेक्शन बी क्या होता है? सेक्शन बी में आता है
writing and grammar. लास्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न है, अगर जैसे अक्सर यह होता है कि स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जो है स्टडी करते हैं, सॉल्व करते हैं एक आइडिया लेने के लिए कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है. लेकिन सबसे मेजर चेंज जो 2020-21 के करिकुलम में आया है इंग्लिश के पेपर पैटर्न में, वो स्पेशली इस सेक्शन में है, इन दिस सेक्शन, दैट इज राइटिंग एंड ग्रामर. So in writing and grammar section, what you need to focus on are the marks allotment and the type of questions asked. Now see, question number 3, 1 and 2 is already covered here. Now question number 3 is informal letter or description. Factual description, description writing. So informal letter, or there will be an internal choice, or this usually there is an internal choice, or the school can give either of the two. So in writing a description or writing an informal letter is question number 3. Now you might be wondering, what is this description writing? Description writing may be about a place. It may be about an event, about a person, or it may be about writing a diary entry. In brief, we can say that description writing, now place, place means some cues will be given, some hints will be given, and you will have to make a description of that. Okay, now all these are factual entries actually, like place, event or person. Diary entry, you already know, you have been doing that in junior classes also if you are from CBSC board. Even if you are not from CBSC board, that doesn't matter much, because diary entry is a very simple form of writing in which we express our feelings about some incident. And one of the simplest writing sections topic it is, writing section topics. One of the simplest, why? Because in this, you just have to remember that you have to use mostly past tense and always first person. We will be taking up writings as a complete topic in one of the lectures, where we will be discussing about the format, the pattern, what are the key points to remember, Where do students lose marks? That will be a complete separate lecture. Do wait for that. We will be taking up that in a separate topic altogether. But for the moment, you can notice that diary entry mein hum likhte hain ki kya humne koi incident jo bhi dekha, jo bhi incident hume share karna hai, wo kisi se share nahi karna hai actually. Wo hum apne liye likhte hain. डायरी एंट्री इसीलिए बहुत सिंपल होता है, कोई फ्लावरी लैंग्वेज यूज नहीं होती है उसमें, वेरी सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, मोस्टली पास्ट टेंस होता है, क्योंकि एक्चुअली ये भी एक तरीके का डिस्क्रिप्शन ही है किसी इवेंट, किसी इंसिडेंट या इवेंट के बारे में जो हमने देखा है. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तुम्हारा फर्स्ट डे था स्कूल में और तुम्हें लगा कि हम उस पर लिखें आज के अपने एक्सपीरियंस को, या इवन जैसे लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई करना ये कैसा लगता है और कैसे फील करते हो, तुम ये भी लिख सकते हो एक डायरी एंट्री में. सो ऑल दिस, एनीथिंग कैन बी रिटन इन अ डायरी एंट्री. ओके, सो दीज इवेंट, दीज टाइप्स टॉपिक्स कम अंडर डिस्क्रिप्शन राइटिंग, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टोरी राइटिंग. ओके, स्टोरी राइटिंग. नाउ इंटरेस्टिंगली टिल लास्ट ईयर ऐसा होता था, ये क्वेश्चन नंबर 3 कम वेटेज का होता था और क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा वेटेज का होता था टिल लास्ट ईयर. लेकिन इस साल ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल बराबर वेटेज के हैं. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑफ
10 marks and question number 4 is also of 10 marks. Yani dono ki length barabar rakhni hai. Okay, 250 words ke lagbhag likh sakte hain. CBSE mein word limit ko thoda bahut cross karne par as such koi marks ka deduction nahi hota hai. But you need to take care ki words ke bahut zyada beyond na jaye. बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना लिखें. बहुत शॉर्ट लिखने पे डेफिनेटली टीचर्स मार्क्स डिडक्ट करते हैं. बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाने पर यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन टाइम मैनेजमेंट एंड हेंस समवेयर और द अदर यू विल लूज मार्क्स इन द पेपर. ओके, सो 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स वी आर स्टिल डिस्कसिंग सेक्शन बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से ग्रामर स्टार्ट होता है. पिछले साल तक 3 क्वेश्चन होते थे ग्रामर के, 5, 6 and 7, और ये 3 क्वेश्चंस जो होते थे ये 4-4 नंबर के बराबर होते थे टिल लास्ट ईयर. नाउ दिस ईयर इट हैज चेंज्ड. क्वेश्चन नंबर 5 इज अ क्लोज टेस्ट और गैप फिलिंग और एडिटिंग. ओके, इसमें एरर करेक्शन आ सकता है, ओमिशन आ सकता है. ना व्हाट इज एरर करेक्शन? एक पैसेज दिया रहेगा जिसके हर एक लाइन में कोई एक मिस्टेक होगी, तुम्हें वो मिस्टेक पॉइंट आउट करनी है और फिर उसका राइट आंसर भी लिखना है. ओके, मिसिंग वर्ड्स या ओमिशन क्या हो सकता है कि जैसे हर एक लाइन में एक वर्ड मिसिंग है. जनरली ये कोई ग्रामेटिकल यूनिट ही होती है जो मिसिंग वर्ड होता है एंड यू नीड टू सप्लाई दैट मिसिंग वर्ड. ओके, गैप फिलिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स. ये एमसीक्यू भी हो सकता है और नॉन एमसीक्यू भी हो सकता है, मोस्टली एमसीक्यू ही रहता है ये. ओके, एंड लास्टली द एडिटिंग. क्लोज टेस्ट इज ऑल्सो दैट सम वर्ड्स मिसिंग होंगे एंड यू हैव टू सप्लाई दोज वर्ड्स. ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है डायलॉग राइटिंग और इट कैन बी रिपोर्टिंग अ डायलॉग. इट कैन बी डायलॉग राइटिंग और रिपोर्टिंग अ डायलॉग. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है 4 मार्क्स का. जो नया पैटर्न आया है उसमें ये 4 मार्क्स का है और ये जो रिपोर्टिंग अ डायलॉग वाला क्वेश्चन है ये 6 मार्क्स का है. नाउ सी, डायलॉग राइटिंग एंड रिपोर्टिंग अ डायलॉग में से चॉइस रहेगा, या तो इंटरनल चॉइस रहे या दो में से एक ही क्वेश्चन आए. डायलॉग राइटिंग क्या होता है? जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और एक डायलॉग दिखाया गया और बेस्ड ऑन द प्रीवियस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हें वो मिसिंग वाला लाइन भरना होता है कि किसी ने रिस्पॉन्स ये दिया है तो इसके पहले क्या बोला गया होगा, या ये बोला गया है तो रिस्पॉन्स क्या होगा. काफी ओपन एंडेड होता है डायलॉग राइटिंग अगर एमसीक्यू नहीं है तो. इफ इट इज नॉट एमसीक्यू देन देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर राइटिंग द लाइंस दैट आर मिसिंग. हाउएवर इट्स क्वाइट इजी, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू हैंडल. ओके, नाउ रिपोर्टिंग अ डायलॉग इज रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन. दिस इज इम्पोर्टेंट एंड दिस इज टफ क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच इज वन ऑफ द difficult topics of grammar which actually children find difficult. Usually it's very interesting and very scoring. If you know the concept well, you can easily do that. Okay, so reporting a dialogue now becomes a very very important part and it carries 6 marks. That means class 9th mein aane ke baad generally वैसे grammar के questions नहीं आते हैं जैसे कि 8th तक आते हैं. यानी कि टॉपिक वाइज एक के बाद एक, एक्टिव पैसिव का एक, प्रेपोजिशंस का एक, टेंसेस का एक, ऐसा टॉपिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं होते हैं. दीज आर कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस इन द लैंग्वेज ऑफ सीबीएसई. कंटेक्स्ट बेस्ड या इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस बोलते हैं इनको. वैसे क्वेश्चंस आते हैं क्लास 9th ऑनवर्ड्स. लेकिन रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसका ऑल टुगेदर एक सिंगल क्वेश्चन आ रहा है और वो भी 6 मार्क्स का. यानी 10 मार्क्स के ग्रामर में अगर रिपोर्टिंग अ डायलॉग आता है इन प्लेस ऑफ डायलॉग राइटिंग,
So it will be 6 marks question. So that clearly means if there is one grammar topic that you need to thoroughly revise in class 9, that is reported speech. वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड ने आउटलाइन किए हुए हैं, जैसे कि टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, देन यू हैव फ्रेजेस, देन यू हैव नॉट एक्चुअल फ्रेजेस, यू हैव क्लॉजेस एंड ऑल दीज टॉपिक्स, प्रेपोजिशंस. लेकिन ये सारे टॉपिक्स अलग अलग नहीं पूछे जाते हैं, ये इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं. हाउएवर रिपोर्टेड स्पीच बिल्कुल अलग से पूछा जा रहा है एज यू कैन सी, और ये नया पैटर्न है जो इस साल से अप्लाई हो रहा है. टिल लास्ट ईयर इंटीग्रेटेड में ही चार तीनों क्वेश्चंस होते थे, तीन होते थे, 4:3 के का प्रोपोर्शन होता था, फोर मार्क्स फोर क्वेश्चंस इन ईच सेट एंड 3 क्वेश्चंस इट विल बी, और 4 मार्क्स का होता था. बट फ्रॉम दिस ईयर दिस पैटर्न हैज चेंज. ओके, सो सेक्शन बी इफ वी एड ऑल दीज मार्क्स, सो इट इज 6 + 4 = 10, 10 and 10. That means our section B will be of 30 marks. So section A is of 20 marks. This is 20. And section B is of 30 marks. Okay. So we have reached 50 marks. We still have 30 marks remaining out of total 80 marks paper. Now let's see where we are going to get that 30 marks from. So I hope you must have noted it down till now. Now I'm erasing it, and we will be taking up section C. Okay. Now let's see what does section C include. Section C, you must have a thought till now that since we have done reading, writing and grammar, so section C has to be literature. Literature includes 2 books. Okay, and this, since only 30 marks are left, so it will be 30 marks only. Now literature includes 2 books. You have Beehive and you have Moments. This is your main textbook and this is your supplementary reader. Okay, so Beehive and Moments, but supplementary reader does not mean any kind of reading for pleasure kind of book. It is a compulsory book and it has equal weightage as Beehive has. Okay. So we talked about question 1 and 2 in reading section, question 3 and 4 of writing in section B, question 5 and 6 of grammar in section B itself. Okay, so 5 and 6. Now question 7. Question 7 is extract based question. Okay. Again, there is a change in the pattern in this particular question. Till last year, it was four questions of 1 mark each. Yani, is particular question mein extract jo hota tha, uske 4 chote chote questions hote the of 1 mark each. Okay, but from this year, this pattern has completely changed, and now it is 2 questions into 2 marks is equal to 4 marks. So अभी भी है तो ये 4 marks का ही, लेकिन अब 1 mark के answers की जगह, 1 line answers की जगह या 1 word answers की जगह, यहाँ 2 short answers include हो गए हैं based on the extract. Okay, extract based short answers हैं. So the type of answers expected is not very short but short answers. 2 marks means you cannot write a word or a couple of words only. Okay. Question 8. Now this is short answer type.
okay, here you have 5 questions of 2 marks each, which amounts to 10 marks. So ये वाला जो particular है question number 8, this is 10 marks question, short answers type questions हैं. Short answers का मतलब जैसा usually question answers हम लिखते हैं उसको short answer type बोलते हैं. So short answer type questions हैं इसमें. एंड किस बुक से आता है ये, बिहाइव से आता है कि मोमेंट से आता है. 5 क्वेश्चन है, सो यू विल हैव टू डू 3 क्वेश्चंस फ्रॉम बिहाइव एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम मोमेंट्स. 3 क्वेश्चन बिहाइव से होंगे और 2 क्वेश्चन मोमेंट से होंगे. चॉइस होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर एंड यू आर टू फाइनली डू 5 क्वेश्चंस. फाइनली 5 क्वेश्चंस करने होते हैं. ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. ओके, और ये कितना होता है, इट इज 1 क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, दैट इज 8. सो टोटल 8 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन होता है. इफ यू हैव सीन द फन दे हैड, विच यू कैन चेक ऑन कैटजी ऑनलाइन चैनल, कैटजी चैनल ऑन यूट्यूब, द फन दे हैड लेक्चर 2, उसमें 2 लॉन्ग आंसर्स मैंने डिस्कस किए थे. बिकॉज शॉर्ट आंसर्स आर डायरेक्टली, यूजुअली एनसीईआरटी के शॉर्ट आंसर्स डायरेक्टली मिल जाते हैं बुक से, बट देन लॉन्ग आंसर्स आर एनालिटिकल, थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेटरी होते हैं. एक्स्ट्रापोलेटरी यानी बियॉन्ड द टेक्स्ट जाके भी सोचना होता है. ओके, सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है 1, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बीहाइव. ओके, ये बीहाइव से होता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, इज अगेन अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. अगेन द सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 1 क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स विच अमाउंट्स टू 8 मार्क्स फाइनली. ओके, एंड ये किस बुक से होता है, ये मोमेंट से होता है. प्लॉट बेस्ड, थीम बेस्ड, एक्स्ट्रापोलेटरी क्वेश्चंस होते हैं ये दोनों. इन क्वेश्चंस में तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ लॉन्ग आंसर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट चिल्ड्रन डू, दैट दे डोंट डिवाइड देयर आंसर इनटू पैराग्राफ्स. ओके, सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर राइटिंग दीज लॉन्ग आंसर्स, योर आंसर शुड बी इन पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ शुड बी लॉजिकली कनेक्टेड. Otherwise, you might end up losing marks for that. Okay? The answers should be based on the text, but must carry some of your own analysis and opinion as well. Okay? So, mostly the nature of these questions is analytical and extrapolatory. And you are required to have a deep understanding of the chapter to answer these questions. Okay? So this is it regarding the paper pattern, children. We will be taking up one section in one class in later on lectures that are going to follow. We will be taking up a single section, like one class dedicated to writing section, one lecture dedicated to grammar section, one lecture dedicated to reading. Reading we can do anytime, because you can also practice reading questions. Reading is very simple. You can take up any book that you have. You can read a passage and write answers just for practice. The more you do it, the better your time management becomes for reading section. And literature anyways we are doing. Okay? So in the next class, we will be taking up the first poem of the book, Beehive. Now till then, go through this pattern. Understand how you have to write. Take care and be safe. Bye.